इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडलवेयर सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिडलवेयर सर्विस होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अभी मिडलवेयर सर्विस क्या होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर लेयर विच इज सिचुएटेड बिटवीन एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद होती है और डेटा मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चार प्रकार की सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर। सबसे पहले आते हैं, इसमें सबसे पहले प्रोसीजर कॉल्स अक्रॉस नेटवर्क्स होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकल कॉल या रिमोट कॉल, या फॉर एग्जांपल सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस अक्रॉस नेटवर्क, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर कॉल के लिए कौन एनेबल कराता है, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर कॉल के लिए एनेबल कराता है या इसको एनेबल कराने में हेल्प करता है हमारा मिडलवेयर। देन रिमोट ऑब्जेक्ट मेथड इन्वोकेशन, इसमें क्या होता है, इट इज़ बेसिकली RMI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, बट इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। RMI में क्या होता है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर का मेथड इन्वोक करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट इज मैसेज क्यूइंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, मैसेज क्यू में अरेंज होता है और वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में और या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इनिशिएट करता है या एग्जीक्यूट होता है। देन नेक्स्ट इज इवेंट नोटिफिकेशन सर्विस, इट इज बेसिकली लाइक जब तुम मोबाइल में कुछ शेड्यूल करते हो या जब तुम्हें मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है तो वो इवेंट नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर आता है। अगले सर्विस के ऊपर आता है, विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डेटा को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज स्केल सिस्टम वाइड नेमिंग सर्विसेज जो होती है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज के अंदर आती है। देन देयर इज एडवांस्ड डायरेक्टरी सर्विसेज, जिसको सर्च इंजिन भी कहा जाता है, यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर डेटा स्टोर होता है। एंड देन देयर इज लोकेशन सर्विसेज फॉर ट्रैकिंग मोबाइल ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली ये लोकेशन सर्विसेज होती है जिसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। देन देयर इज पर्सिस्टेंट स्टोरेज फैसिलिटीज एंड डेटा कैचिंग एंड रेप्लिकेशन। नेक्स्ट इज कंट्रोल सर्विसेज, इट इज बेसिकली लाइक एप्लीकेशन को कंट्रोल देना कि वो कब कहाँ और कैसे डेटा इस्तेमाल करे, वो कंट्रोल सर्विस के अंदर आता है। सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या है, इट इज अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा नेटवर्क होस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एंड नेक्स्ट इज कोड माइग्रेशन, अब माइग्रेशन का मतलब आपको तो पता ही होगा कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, बट इसमें कोड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह में मतलब कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी सर्विसेज, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें तीन ही सर्विसेज है, एक तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, देन देर इज सिंपल एनक्रिप्शन सर्विस एंड देर इज ऑडिटिंग सर्विस। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो था, एक्सप्लेनेशन करने जैसा कुछ नहीं था, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं था, बट फिर भी मैंने बना दिया वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।